में कुछ की तकलीफ नहीं है, खाना पीना सब बहुत अच्छा है, टाइम पे सब कुछ हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं, इसलिए मम्मी पापा ने भी हाँ कर दिए। बहुत सारी यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ हैं, मैम उन भी बहुत अच्छी है, सर भी बहुत अच्छे हैं, सारे कोई कुछ कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कितना उत्साह है आपके अंदर वहाँ पे जाके, नेशनलिज्म की फीलिंग होती है वहाँ पे, जो पूरा एक्ट होता है उसमें एक अलग ही पराक्रम की फीलिंग होती है, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे BSF अपनी कंट्री के एंड पाकिस्तान के दोनों के होंगे, तो मैम पेट्रियोटिक फीलिंग होगी, और मैम बिना पेरेंट्स के तो और मतलब थोड़ा सा है, स्ट्रगल है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो काफ़ी खुश हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लग रहा है कि बिना जो उनके माता पिता हैं उनके बिना स्ट्रगल है, लेकिन खास उत्साह है उनके मन के अंदर, और भी कई लड़कियाँ हैं उनसे बातचीत करेंगी। जी आपके अंदर क्या उत्साह है, आप जा रही हैं अकेले वहाँ पर, एक पेट्रियोटिक फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी आप वहाँ पहुँचेंगी? मैम बिल्कुल पेट्रियोटिक फीलिंग तो आनी ही है, जब हम हमारे देश की अंतिम सीमा पर जा रहे हैं और वहाँ पर हम एकदम जो हमारे सेना के जवान हैं वहाँ पे, मतलब किस तरीके से उनको किस मतलब किस किस प्रॉब्लम्स को फेसेस करना पड़ता है हमें, वो भी देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। हम जलियांवाला बाग भी हमें ले जाया जाएगा जहाँ पर हम हमारे देश का जो एक हिस्ट्री का बहुत ही मतलब खास पन्ना है वो हमको मतलब पलटने को मिलेगा, और वहाँ पर उसकी मतलब सीन को देख पाएंगे कि क्या हुआ था वहाँ पर एक्चुअल में। तो देखिए माँ तुझे प्रणाम योजना जो है लड़कियों में तो खास उत्साह है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनको पेट्रियोटिक फीलिंग तो आएगी ही, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो भारत की जो हमें कह सकते हैं इतिहास है, वो भी जानने के लिए मिलेगा। और भी कई लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, बच्चियाँ हैं यहाँ पर, आप जा रहे हैं, क्या उत्साह है, क्या खास आपने तैयारी की है अपने स्तर पर? मैम उत्साह तो बहुत ज़्यादा है, एंड एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा कि हम वहाँ जाएंगे और हमें सीखने को भी बहुत मिलेगा सोल्जर्स से, हमारे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मतलब वो तैयारी तो बहुत सारी की है, थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है बिकॉज फर्स्ट। मैं आगर से हूँ। हाँ कितने लोग जा रहे हैं आपके यहाँ से? मैम आगर से मैं और एक मतलब एक लड़की है, बस दो ही जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर खास उत्साह है, अलग अलग जिले से अलग अलग लड़कियों को यहाँ पर चयनित किया गया है, और सभी ने एक तरीके के कपड़े पहने हुए हैं ताकि पता चले कि ये मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियाँ हैं जो कि सैर पर निकली हैं। सीएम के कार्यक्रम के बाद इनको यहाँ से हरी झंडी दिखाकर सीएम यहाँ से रवाना करेंगे, और ये फिर ये लोग वहाँ पर जाएंगे। और भी कई लड़कियाँ हैं, अगर हम उनसे बातचीत करना चाहें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 86 लड़कियाँ यहाँ से जा रही हैं कार्यक्रम में। जी आप में ये भी जानने की कोशिश करिएगा क्योंकि कितने दिनों का ये जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है, व्यवस्थाएं आखिरकार क्या वहाँ पर की गई है, इनके ठहरने की व्यवस्था क्या क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेंगी, सबके बारे हमने सुना है या टीवी में देखा है, आज हम रियल लाइफ में देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कितने दिन का ये पूरा कार्यक्रम है, ये जो पूरा कार्यक्रम होने वाला है, कितने दिन का, कितने दिन बाद आप लोग आएंगे वापस? आज हमारी ट्रेन है और हम 7 तारीख को वापस आएंगे। अच्छा, क्या खास इसमें पूरा स्केड्यूल है, क्या खास कार्यक्रम है? जैसे हमने सुना है कि वाघा बॉर्डर अब जाने वाले, उन्होंने बताया कि जलियांवाला बाग भी, तो पूरे क्या क्या खास कार्यक्रम है, कितने दिन के? मैम ऐसा है कि हर दिन का अलग अलग शेड्यूल प्रिपेयर किया है, कि इस दिन हम 4 तारीख को जाएंगे घूमने के लिए और 5 तारीख को जाएंगे, और 4 तारीख को सबसे पहले हम गोल्डन टेंपल जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जलियांवाला बाग जाएंगे, और फिर बाघा बॉर्डर का हमारा भ्रमण होगा। भोपाल आप कब लौट रहे हैं? जी नहीं, सीहोर। मतलब आप हाँ, हाँ जी। तो देखिए अंजलि, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों को सिर्फ जो है पेट्रियोटिज्म की फीलिंग, यानी सिर्फ वाघा बॉर्डर की सैनी करवाई जा रही, लेकिन साथ ही साथ उनको गोल्डन टेंपल भी लेकर जाया जा रहा है, जलियांवाला बाग भी लेकर जाएंगे, पूरा एक टूर हम कह सकते हैं, ये एक मिश्रण है, इतिहास का मिश्रण है, हम कह सकते हैं जो हमारे देश के प्रति हमारी जो वो जिम्मेदारियां हैं उसका मिश्रण है, कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनके मन में ये भावना आएगी, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आएगी, और लंबे मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर काफी लड़कियां मौजूद हैं, बाहर जो बस है कतारें लगी हुई हैं, और उसी को हरी झंडी दिखाकर सीएम शिवराज यहां से रवाना करेंगे। कई लड़कियां हैं, हमने उनसे बातचीत करी, उन्होंने बोला कि जलियांवाला बाग भी जाएंगे वो लोग, गोल्डन टेंपल भी जाएंगे, साथ ही वाघा बॉर्डर की सैर भी करेंगे। तो एक मिश्रण है ये, इतिहास का मिश्रण है, भक्ति का मिश्रण है, हम कह सकते हैं यहां पर, और यहां पर लगातार जो है सारे मिश्रणों को देखते हुए, लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम शिवराज आएंगे, उत्साह अमृतांशी पूरा इनमें बना हुआ है, एक देशभक्ति की जो भावना है वो भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, कितनी देर में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा, मुख्यमंत्री यहां पर कितनी देर में पहुंचेंगे?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी टेबलें सज चुकी हैं। यहाँ पर सीएम शिवराज खुद आएंगे, जो युवा कल्याण और खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, वो भी भाग और उनके इंतजार के लिए खड़ी हुई है। उनका स्वागत करने के लिए वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं और यहाँ पर लगातार बच्चियों के बीच में भी काफ़ी उत्साह है कि जल्द से जल्द सीएम शिवराज आएँ, वो उनसे बातचीत करें और फिर उनको रवाना करें। और बस कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर सीएम शिवराज का आगमन होगा। वो बच्चियों से बातचीत करेंगे, उनको टिप्स देंगे हम कह सकते हैं, क्योंकि सीएम शिवराज को मध्य प्रदेश की जो लाडली लक्ष्मियां हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा उनके दिल के करीब हैं। और ये जो दोनों ही योजनाएं हैं, माँ तुझे प्रणाम योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, दोनों ही सीएम शिवराज की पसंदीदा और मन पसंद दिल से लगी हुई योजनाएँ मानी जाती हैं। तो खास तैयारियाँ लड़कियों लिए तो की गई है। सीएम शिवराज भी कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज यहाँ पर जो बस खड़ी हुई है बाहर, उनको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करने वाले हैं। और उसके बाद जो प्रदेश की लाडली लक्ष्मियां हैं, लाडली लक्ष्मी महोत्सव के तहत और माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत आज वो वाघा बॉर्डर की सैर करने, वाघा बॉर्डर ही नहीं कई ऐसी जगह है जो पूरा हम टूर कह सकते हैं, उनकी सैर करने के लिए निकलेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशी, आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए।